another numerical, this is numerical number 6. An electric heater of power 500 watts raises the temperature of 4 kg of liquid from 10 degree centigrade to 15 degree centigrade in 100 seconds. एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी पावर है हमारे पास 500 वॉट्स. इसकी पावर है हमारे पास 500 वॉट और अब हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम इसने कितना लिया 100 सेकंड्स. डेटा हमने फॉर्म किया. पावर हमारे पास कितनी है 500 वॉट्स. मास हमारे पास वाटर का कितना है 4 kg. फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकेंड टेम्परेचर हमारे पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. टाइम जो टोटल कंज्यूम किया वो है 100 सेकेंड्स. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड. डेटा हमने सारा अपने पास लिख लिया. ठीक है, पावर हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास कितना कंज्यूम हुआ, मास हमारे पास कितना है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए और हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए. हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हमें किस कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू को हमें फाइंड करना है. डेल्टा क्यू को हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी. हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए तो पहले हमें फाइंड करना होगा द वैल्यू ऑफ टोटल हीट यानी डेल्टा क्यू. हमें पता है कि पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वॉट पर यूनिट टाइम. या हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी. अब चूंकि हमें पावर की वैल्यू भी पता है और टाइम भी पता है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टी. दोनों वैल्यूज हम लगाते हैं. पावर हमारे पास थी 500, इसको हमने मल्टीप्लाई किया बाय द टाइम दैट वाज 100. तो टोटल हमारे पास जो नंबर है डेल्टा क्यू जो है उसकी अमाउंट हमारे पास आ गई 50,000. ये टोटल हीट एनर्जी है हमारे पास. अब वंस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू, हम अब आराम से फाइंड कर सकते हैं क्यू हमारे पास. एज यू नो कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर देंगे. फाइनल टेम्परेचर था 15, इनिशियल टेम्परेचर था 10, तो डेल्टा टी जो है वो हमारे पास आ गया 5. नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. वेयर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 50,000. डेल्टा क्यू हमारे पास 50,000 के इक्वल है और डेल्टा टी है हमारे पास 5 के इक्वल. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 जाउल्स पर क्या. ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का यूनिट आ गया. नाउ फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. सेम फॉर्मूला है हमारे पास विद द एडिशन ऑफ मास. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक मास के लिए है. यहाँ पर हमें पता था डेल्टा क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 50,000, मास हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर था, ये डेल्टा टी था दैट वॉज 5. वैल्यूज हमने पुट की, 50,000 को हम डिवाइड करेंगे बाय 20, 4 इंटू 5 विल गिव अस 20. ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया 2500 जाउल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज अ यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जाउल्स पर केल्विन जो है वो यूनिट था हमारे पास फॉर द हीट कैपेसिटी. न्यूमेरिकल नंबर